आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। पहले शादी, फिर विदाई और सुहागरात के बाद खौफनाक कांड। ऐसा दुल्हन से तो भगवान भी बचाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक रात की लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग के 7 सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में लूटी गई सोने और चांदी की ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में लूटी गई सोने और चांदी की ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस गैंग का खुलासा जिले तितावी थाने के गांव खेड़ी दूधाधारी निवासी बादल के शिकायत के बाद पुलिस ने किया है। उसकी शादी 1 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह निवासी निक्की के साथ हुई थी, लेकिन शादी की रात ही लुटेरी दुल्हन घर का सारा सामान समेट कर फरार हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा तितावी थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 380, 406 और 420 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लुटेरी दुल्हन गैंग के लोग जरूरतमंदों को अपनी जाल में फंसाते थे, निक्की से उनकी शादी करा देते थे। वो सुहागरात को ही घर का सारा सामान समेट कर फरार हो जाया करती थी। गैंग के अन्य सदस्य शादी से लेकर भागने तक में उसकी मदद करते थे। आज थाना तितावी पुलिस द्वारा एक लुटेरी दुल्हन गैंग का एक सफल भंडाफोड़ किया गया है। ये गैंग का एक गिरोह की तरह काम करती है, जिसमें ये सब अलग अलग सदस्य मिलकर के एक लड़की की शादी जो है अलग अलग दूल्हों से शादी करवाते हैं। सब गैंग के मेंबर कोई लड़की की माँ बन जाता है, कोई उसकी मौसी बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई उसका भाई बन जाता है। ये सब लोग उसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद जो शादी में मिलने वाले गहने हैं या ससुराल में जाने के बाद घर में जो भी गहने पैसा विश्वास में लेकर के जो हाथ आए उसको लेकर ये फरार हो जाते हैं। इसी प्रकार की घटना की एक तहरीर थाना तितावी पर 1 मार्च को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद थाना तितावी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज थाना तितावी पुलिस द्वारा लगातार उसमें जांच कर करके आज उस गैंग को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गैंग से चोरी किए गए सारे आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं और इनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जो अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके ये अलग अलग लड़कों से शादी करते हैं। इनके मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं, जो FSL भेजे जाएंगे, जिनसे और कोई एविडेंस जो है जो और इन्होंने अन्य शादियां किया हो या अन्य किसी को फंसाया है उसके भी एविडेंस इस पे मिल पाएंगे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि ये पहले जो है लूट और बाइक चोरी के मामलों में भी संलिप्त रहे हैं। ये इनके पूछताछ से पता लगा कि इन्होंने कई जनपदों में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई फर्जी शादियां की हैं। मुजफ्फरनगर में अभी एक ही मुकदमा जो है प्रकाश में आया है। सर, लोगों टारगेट कैसे करते थे? ये लोगों को जो है मैनुअली टारगेट करते थे, कुछ मीडिएटर बनकर के देखते थे कौन शादी के लिए इच्छुक है, कौन शादी के लिए पैसा देने को तैयार है, तो उस तरीके से लड़कों को अपने जाल में फंसाते हैं। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।